इसी का एक क्वेश्चन आपको रैपर क्लासेस में, आपको बता दूं कि ये आपको काफी ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली है जब आप प्रोफेशनल कोडिंग करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल कोडिंग में ऊप के कॉन्सेप्ट कम इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लाइक इंटरफेस, लाइक रैपर क्लासेस, ये बहुत ज्यादा यूज में आती हैं प्रोफेशनल कोडिंग में, लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट है या आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आप टॉपिक सीख रहे हैं ना, लॉजिक सीख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब बड़ी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे फिर ये सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट तोड़ के अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि सारे काम अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं कर सकते जैसा आपने सोचा होता है या जैसा आपने पढ़ा होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। बहरहाल सेकेंड हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। जी, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवरलोडिंग अ मेथड एंड ओवरराइडिंग अ मेथड, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, दोनों ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ओवरराइडिंग तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप कह लें कि बहुत ज्यादा है, हर मेथड आपको ओवरराइड ही करना पड़ता है। ओवरराइड से मुराद ये है कि हम अपना काम थोड़ा करते हैं और जावा की बनी हुई क्लासेस का काम हम ज्यादा यूज में लेके आते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है ना। यानी हमें कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ी है, सबसे पहला मेथड जो उसका है ना ऑन क्रिएट मेथड है एंड्रॉयड में, तो ऐप जब आपके सामने लोड होके आती है तो वो ऑन क्रिएट मेथड होता है जो चलता है पहले बैकएंड पे, ठीक है। अब वो मेथड भी हमने नहीं बनाया होता, वो भी जावा की किसी क्लास का है, सिर्फ हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है, डिफरेंस इसका आप यहां पर क्लियर कर लें। ओवरलोडिंग में क्या चीज होती है? हाँ, ओवरलोडिंग उस वक्त इस्तेमाल में आती है सेम नेम वन आर मोर मेथड्स, उनका नाम सेम होगा, ठीक है, बट आप डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट सेम नेम, ये कहलाएगी आपकी ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग में क्या होगा? हाँ जी, सेम सिग्नेचर, सेम पैरामीटर, सेम सब कुछ होगा, लेकिन होगा क्या, ये दो डिफरेंट क्लासेस में होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है किसमें, इनहेरिटेंस के अंदर, ये हम पहले पढ़ चुके इनहेरिटेंस। यानी एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि बेस क्लास ने बना लिया है, आपको भी वही यूज करना है तो आप वही यूज करेंगे, लेकिन ओवरराइड करेंगे, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, फिर हमें ओवरराइडिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि हम ओवरराइड्स के रूल्स को कैसे फॉलो करें। अब वो रूल्स क्या है, ठीक है ना, देखें एक फंक्शन उसके पास बना हुआ है, सेम टू सेम यूज किया, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी जहां हम कुछ क्लासेस का वो फंक्शन यूज नहीं कर पाते, तो वो हम रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, वो रूल्स कहां पे हैं, किसने लिखे हुए हैं, वो हम देखते हैं। उस रूल्स का लिंक मैंने वैसे नीचे दिया हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं बाद में, पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस उसका क्लियर कर लें। ये डिफरेंस थ्योरी है, आई थिंक पढ़ लेंगे आप, जो मेथड ओवरलोडिंग होती है, हम इस डायग्राम से तकरीबन सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। जी, ये हमारे पास ओवरलोडिंग है, एक ही क्लास है टेस्ट क्लास, और उसमें तीन फंक्शन है, फन, फन सेम नेम सेम रिटर्न टाइप बट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग में क्या है, बेस क्लास है, मेथड है, सेम सिग्नेचर का हमने नीचे भी यूज कर लिया है, बट ये मेथड किस में है, डिराइव क्लास में, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जावा में नहीं, आप पाइथन यूज करें, आप कोई और लैंग्वेज यूज करें, वहां भी आपको ये फायदा देगा, और रूल्स उसके शायद डिफरेंट हो, क्योंकि उसकी क्लासेस अपनी होंगी, उसके सिग्नेचर्स अपने होंगे, तो उस लैंग्वेज ने रूल्स अपने बनाए हुए होंगे, जावा ने अपने रूल्स बनाए हुए और C++ ने अपने बनाए हुए। C++ के हैं वो पॉलीमोफिजम्स, वर्चुअल फंक्शंस, फिर वो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और वो सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वो सारा काम हम दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यही है। ये डायग्राम आपने जेहन में रखना है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का डिफरेंस, पेपर में आए तो पेपर में भी सही लिखना है। आया तो नहीं है, आ गए, चलो फिर, खैर लेट हो गए। अच्छा, ये लिंक है, इस लिंक को ओपन कर लें। कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, तो रेफर मैंने अब कर दिया आपको,
मैं एक वेबसाइट से नहीं उठा रहा डेटा, मैंने जो आपको पहले बताई है वो जावा पॉइंट है। मैं जो इसके ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ या इसमें जो चीज़ें ऐड करता हूँ वो दो वेबसाइट से नहीं है, इसमें चार बुक्स शामिल हैं और दो वेबसाइट्स हैं, और उसकी अपनी भी एक है ओरेकल की, वो जो सन वाली है वेबसाइट अपनी है जावा की। जो चीज़ जहाँ से मिलती है, जो अच्छी लगती है और जो मुझे लगता है कि ये आपको समझाने के लिए आसान रहेगी, वो मैं यहाँ पे अपना लैब मैनुअल बनाता हूँ। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं बनाने पे लगाता हूँ तो काइंडली उसको समझने पे भी उतनी मेहनत लगा लिया करें, तो हम बहुत अच्छी जावा कर सकते हैं। अब मैंने तकरीबन चार वेबसाइट्स का निचोड़ निकाल के यहाँ पे आपको लैब मैनुअल बना के दिया, और आपने क्या करना है, सिर्फ यही सुनना है, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, मेरी मेहनत पे पानी फेरना है आपने। पानी भी नहीं फेरते ना, मसला ये है। यहाँ पे आप देखें जी, पानी जाया नहीं करते, बहुत ही बेवकूफ है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल मेथड है, इसमें मैं रूल्स डायरेक्टली रूल्स पे जाता हूँ, रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग। और मजे की बात यह है कि इसमें अब ऑब्वियसली आपको पढ़ने में मुश्किल होगी, सारे के सारे पढ़ने तो नहीं आपने, उसमें तो 10-12 रूल है, तो मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। उसकी कोडिंग भी नीचे दी हुई है, आप इसको कॉपी करके यहाँ से और इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ट्राई का ऑप्शन भी है, ट्राई का ऑप्शन भी आप ट्राई भी कर सकते हैं यहीं पे, अगर नेट की स्पीड अच्छी है तो। अगर 2G आ रहा है तो फिर ट्राई ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, ओवरराइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है जी। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, इस लाइन से तो हमें समझ नहीं आई। तो द एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से, ये देखें, जो चीज़ जानने के लिए ज़रूरी है उसको उसने लिंक में रखा हुआ है। एक्सेस मॉडिफायर्स हमें पता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। फॉर एंड ओवर राइडिंग मैथड कैन अलाउ मोर, ठीक है जी, बट नॉट लेस एक्सेस देन द ओवर रिडन मैथड्स, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटेक्टेड इंस्टांस। सपोज करें आपने प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड आपने क्या किया हुआ, इनहेरिटेंस की हुई आपने, ठीक है। देन इन द सुपर क्लास कैन बी मेड पब्लिक बट नॉट प्राइवेट, प्राइवेट में आप ऐसा काम नहीं कर सकते, पब्लिक और प्रोटेक्टेड में आप ओवर राइडिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं। पहले तो आपको एक्सेस मॉडिफायर्स देखने हैं कि भी ओवर राइडिंग के जब आप करने जा रहे हैं तो कौन सा फंक्शन, क्या वो कब फंक्शन प्राइवेट तो नहीं है। अगर वो प्राइवेट है तो आपको पहले उसे निकाल के पब्लिक में या प्रोटेक्टेड में रखना होगा, प्रोटेक्टेड एरिया में, ताकि आप उसको क्या कर सके, ओवर राइड कर सके। सिंपल है। इसने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, प्राइवेट बनाया हुआ है, और फिर इसका एरर भी आएगा नीचे, नहीं आया, उसने कुछ और किया हुआ फिर, अरे प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस हो रहा है ना, प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस हो रहा है, M1 एक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइड, दूसरा रूल ये ध्यान में रखना है कि जो फाइनल मेथड बना दिया आपने उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तीसरा, स्टैटिक मेथड्स, आई थिंक आप जानते होंगे स्टैटिक मेथड्स कौन से हैं और फाइनल मेथड्स कौन से हैं। लास्ट मैन खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, साथ वाला, इसको खड़े करो ना, जल्दी करो। हाँ यस सर, व्हाट इज फाइनल मेथड, हाँ ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है आपकी, इंसल्ट याद रहेगी आपको जब भी वीडियो सुनोगे कि सर ने पहला क्वेश्चन मेरा ही सुना था। नाम क्या है इसका, हसन, रोल नंबर क्या है, 35। यस बताओ, व्हाट इज फाइनल मेथड आर स्टैटिक मेथड, दोनों में से कोई एक डिस्क्राइब कर दो, जिसको मजीद मॉडिफाई ना किया जा सकता हो, और स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड वो है जिसको क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करें, शेयर कर सकें। चले माशाल्लाह, क्या बात है, आपने आंसर बता दिया। अच्छा चले ठीक है, नेक्स्ट बैठ जाओ। हाँ कभी सुनी है, आज करूंगा। प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी, ये हमने पहले जिक्र कर लिया है इसका, ठीक है। और द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम रिटर्न टाइप, ये चीज याद रखनी है, जब आप उसको ओवरराइड करें तो उसकी रिटर्न टाइप आपने सेम रखनी है, सेम सिग्नेचर, आप ये समझे कि सेम सिग्नेचर रखने उसके, सेम उसकी शक्ल उसकी बिल्कुल उस जैसी ही हो, ठीक है। इन यस
एक्सेस मॉडिफायर देखें, अगर तो पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, आई थिंक आप पब्लिक में ही उसको यूज़ करोगे। आप उसको प्राइवेट में लाके तो यूज़ करने से रहे, प्राइवेट में तो वो यूज़ होगा भी नहीं, प्रोटेक्टेड में आई थिंक कर सकते होंगे, ट्राई करें देखें। नहीं नहीं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जब आप उसको पब्लिक रखा हुआ है तो आप उसे पहले मेंशन करोगे कि मैं कौन सी इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स कर रहे होंगे ना, एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड जब करोगे तो आप उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो। आपने अब आगे कोई एरिया बनाया हुआ है और उसको आगे फर्दर किसी क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, तब आप फाइनली करोगे कि मैं इसको प्रोटेक्टेड रखूँ या प्राइवेट रखूँ, पब्लिक रखूँ, रख सकते हो ठीक है, उसको पब्लिक रख लें या प्रोटेक्टेड रख लें। अगर किसी और क्लास ने आपकी क्लास को इनहेरिट करना है तो ठीक है जी, अब आपकी बारी है। ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर्स, इनका आपस में क्या, यानी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या ओवरराइड कर सकते हैं? अच्छा आपने तो कह दिया, पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा पढ़ा है, देख के पढ़ा है, सही, मैंने कहा इतने सही हो गए, गुड गुड, अच्छा चले सही है। ओवरराइडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब बताए जरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो कह रहा है रूल उसमें डिफरेंट है, ये हम अभी पेंडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट में आएगा तो तभी इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी समझ नहीं आएगी, हमें पढ़े हुए समझ नहीं आते तो अभी तो पढ़े नहीं है, ये भी अभी रहने देते हैं बस ठीक है। 8 आपको जो रूल्स हैं वो याद रहने चाहिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ से उठाई थी ठीक है, चलेंगे उसके बाद ये लिंक आपको दे दिया है, यहाँ से आप इसके मेन पॉइंट्स देख लें।